हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन को सेमली रहने देगा। आज का सामर्थ्य वचन यहोवा का अनुग्रह विवाह है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन नीति वचन 18 अध्याय उसकी 22 वचन में लिखा हुआ है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जिसने विवाह किया है उस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, क्योंकि विवाह करना परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने पति पत्नी को एक मकसद के लिए जोड़ा है। बाइबल में लिखा है कि आदम अकेला था और परमेश्वर ने हवा को उसके बीच से बनाया और जोड़ा। लोगों को लगता है कि विवाह करवाना मतलब मुसीबत में फंसने वाला काम है। सबसे पहले सफल होने का एक ही कारण है, जब वह चीजें आप अपने दिमाग में भर लेंगे जो वचन में लिखी हुई है, फिर आप सफल होंगे। जिस तरह आपको चंगाई कैसे मिलती है, जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के कूड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। क्या आपको ये लगता है कि इस टीबी की कैंसर की बीमारी से चंगे हो जाएंगे, ऐसा लगता है या नहीं? नहीं लगता। लेकिन जब आप चर्च आते हैं और सुनते हैं कि यीशु मसीह के कूड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, फिर आप चंगे होते हैं या नहीं? होते हैं। एक नशा बेचने वाला, एक हत्यारा, एक पापी बदलता है या नहीं? हाँ, बदलता है। कैसे बदलता है? जब वह वचन पर ध्यान लगाता है और उस पर चलता है, तब वह बदलते हैं। उसी तरह से आपको ये समझना है कि विवाह जो है वह परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि जब तक आपके दिमाग से ये नहीं निकलता कि विवाह एक अनुग्रह नहीं है, विवाह करवाना एक फंसने वाला काम है, तब तक आपकी विवाहित जिंदगी आशीषित नहीं होगी, शांतिदायक नहीं होगी। मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी में परमेश्वर की पहली योजना ये है कि आप आशीषित रहें। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। शैतान ये चाहता है कि आप आशीषित ना हो। ऐसे बहुत से लोग और परमेश्वर के दास हैं जिनकी विवाहित जिंदगी असफल हुई और उनकी सेवकाई भी एक तरह से असफल हुई। वचन में लिखा है कि जो व्यक्ति अपने घर का इंतजाम नहीं कर सकता, अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रख सकता है, वह व्यक्ति कलीसिया का ध्यान कैसे रख सकता है? क्योंकि परमेश्वर संतुलित लोगों को सेवकाई के लिए इस्तेमाल करता है। जब आपकी जिंदगी और आपका परिवार संतुलित नहीं है, तो आप एक बेकार विश्वासी हैं। आप परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं ये चाहता हूँ कि तू तो फल लेकर आए और तेरा फल बना रहे। इसका मतलब परमेश्वर ये चाहते हैं कि जो पति या पत्नी आपको परमेश्वर ने दी है, परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में आशीषित हो सकें। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आज से मैं अपनी विवाहित जिंदगी में आपके वचन को पूरा करूँ और आशीषित जीवन जी सकूँ। आप मुझे अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज के सामर्थ्य वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।